यूपी की मथुरा लोकसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट और बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी अपने संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान किसानों को लुभाने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। कुछ दिनों पहले ही हेमा मालिनी खेतों में फसल काटते हुए नजर आई थी, जिसकी तस्वीरें भी खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। वहीं अब वह ट्रैक्टर चलाते नजर आई है, जो उनके संसदीय क्षेत्र की बताई जा रही है। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के ट्रैक्टर चलाने की फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। तस्वीर में वह खेत में एक ट्रैक्टर पर बैठी हुई दिख रही है। काला चश्मा और गुलाबी साड़ी पहने हेमा खेत में ट्रैक्टर चला रही है। उनके आसपास कुछ कार्यकर्ता और सुरक्षा कर्मी भी खड़े नजर आ रहे हैं। बता दें, मथुरा लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हेमा मालिनी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मामले में FIR दर्ज की गई है। दरअसल बता दें कि हेमा मालिनी ने जिला प्रशासन से इजाजत लिए बिना मथुरा के अजही गाँव में एक जनसभा को संबोधित किया था, जो की आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। मथुरा के वृंदावन थाने में हेमा मालिनी के खिलाफ ये FIR दर्ज की गई है। FIR में हेमा मालिनी के अलावा दो अन्य लोगों को भी इस FIR में नाम शामिल किया गया है। बता दें कि हेमा मालिनी मथुरा से मौजूदा सांसद और ऐलान कर चुकी है, यह उनका आखिरी चुनाव है। 1 अप्रैल को पहले चरण के लिए लोकसभा चुनाव 2019 के लिए मतदान होगा। ऐसे में एक तरफ जहाँ चुनाव प्रचार चरम पर है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी सख्ती बनाए हुए हैं। इसी सिलसिले में बॉलीवुड एक्ट्रेस और मथुरा से बीजेपी कैंडिडेट हेमा मालिनी को निर्वाचन आयोग की तरफ से नोटिस जारी हुआ है। क्यों जारी हुआ है ये नोटिस बता दें कि दरअसल हाल ही में हेमा मालिनी चुनाव प्रचार के लिए मथुरा पहुंची थी, जहां उन्होंने जमकर चुनाव प्रचार प्रसार किया। वहीं इस दौरान उन्होंने एक सरकारी स्कूल में सभा को संबोधित करते हुए अश्लील डांस किया, जिसके चलते उन्हें नोटिस जारी किया गया। वहीं निर्वाचन अधिकारी की तरफ से 3 दिन में हेमा मालिनी को जवाब देने के लिए कहा गया है। बता दें कि मथुरा में चुनावी प्रचार के लिए मैदान में उतरी हेमा के हाल ही में कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिसमें वो एकदम सजी धजी खेत में गेहूं काट रही थी। इस बात को लेकर भी वो ट्रेल भी हो चुकी है। इस बार इलेक्शन कमीशन काफी सख्त रुख अपनाते दिख रहा है। आयोग की तरफ से कई नेताओं को बयान और प्रचार के चलते नोटिस जा चुका है। वहीं बीजेपी के नमो टीवी PM मोदी पर बन रही बायोपिक और मैं भी चौकीदार कैंपेन पर भी आयोग सख्ती दिखा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।